नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का रहने वाला है पार्ट वन का, ठीक है। पार्ट वन का हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे पहले हमने क्या दे रखे हैं, दो क्वेश्चन देख रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वह नहीं पढ़े हैं तो यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। सीधी बात है, अगर आपने वह दो क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि रिलेटेड सारे के सारे, पहला दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर वन से ही सारे के सारे रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद ही आपको थर्ड क्वेश्चन जो होगा समझ में आने वाला है। तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाता है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में तुर्कों की विजय के महत्व को समझाइएगा। तो तुर्कों की विजय का महत्व यहां पर आपको बताना है, कौन कौन से हो जाते हैं उनको हम बहुत ही डीपली यहां पर देखेंगे। हेडिंग पर कुछ ज्यादा फोकस आपको करना है कि हेडिंग किस प्रकार से यहां पर ली गई है, ठीक है, और कैसी कैसी हेडिंग ली गई है, क्योंकि आपका जो बीए है उसमें हेडिंग जो होती है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपकी हेडिंग मजबूत है तो आपको नंबर भी कैसे दिए जाएंगे, मजबूत दिए जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट, जैसे कि सबसे पहले तो उत्तर हम डालते ही हैं, तो हमने उत्तर डाल दिया, भारत में तुर्कों की विजय अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। तुर्कों की जो विजय थी वो कैसी थी? अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। तुर्कों ने आक्रमण कहां से आके किया था? बाहर से आकर किया था। गजनी रहने वाला कौन था? मोहम्मद गौरी। उसने भारत पर आक्रमण किया, है ना, कहां पर? भारत पर आक्रमण किया और भारत के बहुत सारे राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। और भारत में उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आगे पीछे पढ़ चुके हैं दो क्वेश्चनों में, उसको हम नहीं दोहराएंगे। यहां पर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो बात करते हैं, भारत में तुर्कों की विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भारत जैसे विशाल देश की पराजय में राष्ट्रीय भावना का अभाव। देखो भारत कैसा है, बहुत ही विशाल और बड़ा देश है, ठीक है, इसमें पराजय की राष्ट्रीय भावना का अभाव, फिर भी कैसे रहे थे भारत के जो राजा थे, ठीक है, राजपूत लोग जो थे वो कैसे रहे थे? पराजित रहे थे। किनसे? तुर्कों से, ठीक है। वही दे रखा है कि राष्ट्रीय भावना का क्या था इनमें? अभाव था। किसमें? भारतवासियों में अभाव था। और राजद्रोही, मतलब क्या करते थे वो? अपने राज्य से ही क्या करते थे, एक प्रकार से कह सकते हैं गलत व्यवहार करते थे, है ना। राजद्रोही अपने राज्य के अंतर्गत कह सकते हैं दुश्मन, है ना, वही हो जाता है। इस प्रकार से कश्मीर में कुछ लोग हैं उसी प्रकार का था। संकीर्ण स्वार्थपरता में भी भूमिका निभाई थी इन लोगों ने। संकीर्ण स्वार्थपरता मतलब यह क्या थे? अपने अंतर्गत क्या थे ये लोग? कैसे थे? स्वार्थपरते थे, ठीक है। मतलब जो वहां के हो जाते हैं, कह सकते हैं जो रईस लोग होते हैं, ठीक है, जो जमींदार लोग होते हैं वो क्या करते थे? वे अपने ही स्वार्थ परत थे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी यहां पर आपको बहुत बड़े विशाल देश भारत में पराजय की भावना देखने को मिली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो बात करते हैं यहां पर हो जाती है हेडिंग नंबर वन, भारत में तुर्कों की विजय के महत्व को समझाइएगा। तो पहली जो हेडिंग हो जाती है वो हो जाती है भारत में हिंदू राज की समाप्ति। क्या हो गई थी भाई? भारत में जैसे ही तुर्क आए थे, है ना, तुर्क आए थे तो वहां पर क्या हुई? हिंदू राज्यों की समाप्ति हो गई थी, है ना, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था वो क्या करता था? हिंदुओं पर ही युद्ध करता था, है ना। हिंदू राजा महाराजाओं से ही क्या करता था भाई? युद्ध करता था और उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया करता था। तो बात करते हैं भारत में हिंदू राज्य की समाप्ति हुई 1192, जो कौन सा हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 91 में, दूसरा हुआ था 92 में। किसमें? 92, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ था। पहले बार में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और सेकंड का जो हुआ था 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो बात करते हैं द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ ही हिंदू शासन की समाप्ति हो गई थी, है ना। जब भारत में मोहम्मद गौरी ने क्या कर लिया था? फिर पैर पसार लिए थे। तो इस प्रकार से यहां पर कहा जा सकता है कि चौहान की पराजय के साथ ही हिंदू शासकों की समाप्ति हो गई थी।
क्योंकि इसके बाद कोई भी संगठित तथा शक्तिशाली हिंदू राज्य ना रह सका। बाकी छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे उनके लिए अपने अधीन करता रहा और उन्हें गुलाम बनाता रहा। गुलाम नहीं बनाता था हिंदुओं को, डायरेक्टली क्या करता था, वो मर्डर कर देता उनका। ठीक है, तो बात करते हैं, यह युगांतरकारी घटना थी। कैसी थी यह युगांतरकारी घटना? हो जाती है उस युग की घटना हो जाती है। बात करते हैं जो सेकंड हेडिंग होती है वो अपनी होती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब यहां पर जब तुर्क आ गए थे तो उसके बाद क्या हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तर भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना तुर्कों ने की जो केंद्रीकृत सिद्धांत पर आधारित थी। किस पर? केंद्रीकृत सिद्धांत पर आधारित थी। क्यों कह रहा है केंद्रीकृत सिद्धांत? क्योंकि भारत के केंद्र में, भारत के बीच में क्या पड़ती है? राजधानी दिल्ली। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत की क्या की? स्थापना की। वही दे रखा है ने की जो केंद्रीकृत सिद्धांत पर आधारित था। छोटे छोटे राजपूत राज्यों तथा राजपूती सामंत व्यवस्था का युग समाप्त हो गया था तथा 1206 में, किसमें? 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। किसके? दास वंश के साथ। जैसे कि हमने बताया था कौन जब आया था, दास वंश गुलाम, सॉरी हाँ, दास वंश मतलब गुलाम वंश यहां पर दे रखा है, वही बात कर रहा है यहां पर भी। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था उसके ही अनुसार क्या हो गई थी, सल्तनत की स्थापना की गई थी दिल्ली की, तो वही यहां पर दे रखा है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? जब तुर्क ने अपने पैर पसार लिए थे भारत में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो भारत में तुर्कों की विजय का महत्व हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, थर्ड वाली हेडिंग को देखते हैं। यहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो तुर्कों की विजय का महत्व नहीं दे रखे हैं यहां पर, है ना। बात करते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में तुर्कों की विजय के महत्व समझाइएगा, विजय के महत्व नहीं, विजय होने के बाद जो महत्व हुए हैं भारत में वो यहां पर दे रखा है। क्या क्या देखने को मिला था वहां पर, कि भारत में हिंदुओं की समाप्ति हो गई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, यही लिखना है आपके लिए भी एग्जाम में। आगे देखते हैं, थर्ड वाली जो हेडिंग होती है वो कौन सी होती है, शासक वर्ग की परिवर्तन। ठीक है, जो शासक वर्ग का परिवर्तन हो जाता है, जो शासक वगैरह थे उनके वर्ग में क्या देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिले, तो वही यहां पर देखेंगे। तुर्क सफलता के बाद शासक वर्ग में परिवर्तन हो गया और राजपूत शासकों के स्थान पर तुर्क शासकों का उदय हुआ, क्योंकि तुर्कों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। राजपूत जो शासक थे उनको क्या कर देते थे, ये मार देते तथा अपना तुर्क शासक, तुर्क जो थे वो अपने राज्य के अधीन कर लिया करते थे और वहां का सेनापति घोषित कर दिया करते थे। फिर बात करते हैं जिन्होंने निरंतर विस्तारवादी नीति अपनाई, है ना, मतलब तुर्क जो थे वो यहां पर क्यों आए थे, वो आए थे विस्तार करने के लिए अपने। ठीक है, तो बात करते हैं इससे भीष्म संघर्ष का युग शुरू हो गया जो 3 शताब्दियों तक चला। ठीक है, क्योंकि वह क्या करते थे, उनका बस मतलब क्या था, जिहाद को आगे बढ़ाना। क्या? जिहाद को आगे बढ़ाना, मतलब सिर्फ कौन रहे, सिर्फ मुसलमान ही रहे, है ना, कौन रहे, सिर्फ मुसलमान ही रहे। मोहम्मद गौरी का तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का बस एक ही मकसद था कि हम हिंदुओं की क्या करेंगे, समाप्ति करेंगे, हमारा वो जिहाद किससे है, सिर्फ हिंदुओं से है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं इन्होंने हिंदुओं को बहुत ही बेरहमी से मारा था। ठीक है, कह सकते हैं एक प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, बहुत हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को उन्होंने मार दिया था। आगे बढ़ते हैं, हिंदू धर्म पर प्रभाव, क्या चीज देखने वाले हैं यहां पर, हिंदू धर्म पर प्रभाव यहां पर देखने वाले हैं। जब तुर्क आए थे उसके बाद में क्या देखने को मिला था, तो हिंदू धर्म के स्वरूप में मंदिरों, मूर्तियों को तोड़ने तथा धार्मिक प्रतिबंधों के कारण परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, धार्मिक जो प्रतिबंध थे उनमें क्या देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिले। वह सुरक्षा के लिए अंतर्मुखी हो गया, क्या हो गया, सुरक्षा के लिए अंतर्मुखी हो गया और भक्ति आंदोलन लोकप्रिय हुआ। फिर क्या हुआ, जो हिंदू लोग थे उनमें जो भक्ति आंदोलन था वो क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ, क्योंकि उनके मंदिर जो थे मूर्तियां वगैरह तोड़ रहे थे और धार्मिक परिवर्तन भी देखने को मिल रहे थे। तब क्या हुआ, हिंदू में लोकप्रिय हुआ, कौन कौन हुआ, भक्ति आंदोलन। ठीक है, बात करते हैं निम्न जाति को
इसमें स्थान मिला, क्या मिला? निम्न जाति को इसमें स्थान मिला, हिंदू धर्म में एकजुटता स्थापित हुई, है ना। जब भाई उन पर अत्याचार किए गए, धर्म परिवर्तन हुए, तब हिंदुओं में क्या देखने को मिली? एकजुटता यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग हो जाती है वो हो जाती है ब्रहा देशों से संबंध, क्योंकि जब पहले जो राजपूत जो शासन था वो क्या करते थे, वो सिर्फ अपने ही जो कह सकते हैं जो पुराना युग उनका चला आ रहा था दादा परदादाओं से, उसको वह क्या करते थे, फॉलो करते थे। ठीक है, उनका मकसद ये नहीं था कि हम किसी के राज्य को छीने या फिर अपने राज्य को किसी को दें। ठीक है, वो सिर्फ अपने ही जितना उनका साम्राज्य हुआ करता था उस पर ही सीमित हुआ करते थे। मगर जो तुर्क लोग थे वो सिर्फ क्या आए थे, यहां पर अधिकार करने को आए थे, अपना जिहाद को फैलाने के लिए आए थे। यही हो जाता है ब्रहा देशों से संबंध। जब तुर्कों का यहां पर अधिकार हो गया तो उन्होंने क्या किया, यहां की जो वस्तुएं वगैरह होती हैं, यहां के जो कच्चा माल वगैरह होता है उसे बेचने के लिए उसने जो तुर्क लोग थे उन्होंने क्या किया, ब्रहा देशों से संबंध जोड़े। जैसे हो सकता है यहां पर दे रखा है कि तुर्कों की विजय से भारत का मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों से संबंध स्थापित हुआ, जो 8वीं शताब्दी में क्या हुआ था, टूट गए थे। जो 8वीं शताब्दी पहले थी उसमें टूट गए थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मध्य और पश्चिमी एशिया के देशों से संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो छठी हेडिंग हो जाती है वो आती है हिंदू समाज पर प्रभाव। जब इन्होंने अपने अधीन कर लिया था भारत के बहुत सारे राज्यों को, तब हिंदू समाज पर प्रभाव भी देखने को मिले थे। वह कौन से हो जाते हैं, इनको देख लेते हैं। तो बात करते हैं हिंदू समाज पर विधर्मी शासक, विधर्मी कह सकते हैं इनको, आगे देखेंगे एक्सप्लेन करेंगे। हिंदू समाज पर विधर्मी शासक होने का प्रभाव पड़ा। अब यह दावा नहीं किया जा सकता था कि धर्म और राज्य का संचालन केवल ब्राह्मण क्षत्रिय कर सकते हैं। कौन? क्योंकि जो पहले जो थे राजपूत लोग थे उनका कहना था कि जो राज्य है उसका संचालन कौन करेंगे, ब्राह्मण करेंगे, क्षत्रिय करेंगे, वैश्य करेंगे, और जो वहां के कह सकते हैं क्षत्रिय और एक और हो जाते हैं, ठीक है उनका याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। बात करते हैं, ये हमने पहली वाले में दे रखा है, पहली वीडियो में, ठीक है, ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकते हैं, सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। जब जब कौन, तुर्कों ने यहां पर जब अधिकार कर लिया तब क्या हुए, जो राजपूत कुछ लोग थे उनकी आंखें खुली, उन्होंने क्या किया, अब सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर हेड हो जाती है हिंदू समाज पर प्रभाव क्या पड़ा। सातवीं जो हेडिंग हो जाती है वो अपनी हेडिंग हो जाती है लोगों के जीवन पर प्रभाव। जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया भारत के बहुत सारे राज्यों पर, ठीक है, बहुत सारे महाराजा, ठीक है, या फिर महाराजाओं के राज्यों पर, तब क्या देखने को मिला, लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा इसको देख लेते हैं। लोगों का जीवन लगभग सभी क्षेत्रों में प्रभावित हुआ। धीरे धीरे संस्कृति परिवर्तन होने लगा तथा धार्मिक धार्मिक क्रियाएं प्रभावित हुई तथा द्वेष भावना प्रबल हो गई। समाज में अराजकता का वातावरण पैदा हो गया जिससे असुरक्षा का अभाव पैदा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है लोगों के जीवन पर प्रभाव क्या देखने को मिले। उनके जो क्षेत्र होते हैं सभी क्षेत्र, क्योंकि कह सकते हैं मुसलमान लोग जो थे, जो तुर्क लोग थे, वो क्या करते थे, हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, है ना। तो वही दे रखा है कि सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा था, सभी क्षेत्र प्रभावित हुए थे। धीरे धीरे संस्कृति परिवर्तन होने लगे, ठीक है, धार्मिक परिवर्तन वगैरह कह सकते हैं। वही यहां पर दे रखा है संस्कृति परिवर्तन होने लगा, आर्थिक क्रियाएं प्रभावित हुई, द्वेष भावना प्रबल हो गई तथा समाज अराजकता का वातावरण पैदा हुआ, जिससे असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। ठीक है, तो यह देखने को मिलता है लोगों के जीवन पर प्रभाव क्या पड़े जब तुर्क यहां पर आए थे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी 8वीं हेडिंग हो जाती है वो अपनी हो जाती है भाषा और साहित्य पर प्रभाव। जब तुर्कों का साम्राज्य यहां पर स्थापित हो गया था तब भाषा तथा साहित्य पर भी प्रभाव देखने को मिले। तो देखते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं तुर्क शासकों के दबाव और संरक्षण के कारण अरबी और फारसी भाषा को बढ़ावा मिला, क्योंकि तुर्कों का साम्राज्य वहां पर फैल चुका था और तुर्क क्या बोलते थे, अरबी और फारसी भाषा बोलते थे, इसलिए इन भाषाओं का क्या होने लगा, बढ़ावा मिलने लगा, जिससे साहित्य सृजन होने लगा। भारतीय भाषाओं में पाली अपभ्रंश और हिंदी की खड़ी बोली के स्वरूप उदय हुए। जब अरबी और फारसी आई तो किसका उदय हुआ, पाली अपभ्रंश और हिंदी का
उद्भव हुआ। ठीक है, पाली किससे बोली जाती है, जो पाली है, पाली बोलते हैं बौद्ध लोग, पाली कौन बोलते हैं, पाली बोलते हैं बौद्ध लोग, और एक हो जाती है। अगर इसको सिक्वेंस वाइज देखेंगे तो यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है, हम यहां तक देख चुके हैं। अगर हम बात करते हैं सिक्वेंस वाइज, सबसे पहले कौन सी आई थी, वैदिक संस्कृत आई थी, कौन आई थी, वैदिक संस्कृत आई थी, उसके बाद कौन आई थी, उसके बाद आई थी लौकिक संस्कृत, ठीक है, उसके बाद कौन सी आई थी, लौकिक संस्कृत थी, उसके बाद कौन आई थी, सिर्फ संस्कृत आई थी, ठीक है, सिर्फ संस्कृत आई थी, उसके बाद कौन आई थी, पाली, उसके बाद आई थी प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक, उसके बाद कौन आई थी, पाली प्राकृतिक अपभ्रंश, ठीक है, क्या आई थी, अपभ्रंश आई थी, उसके बाद आई थी अबहट, और फिर आई थी कहीं हिंदी जाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सीरीज वाई है भाषाओं का, ठीक है, सबसे पहले भारत में वैदिक संस्कृति, उसके बाद लौकिक, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली किसके अंतर्गत बोली जाती है, बौद्ध के अंतर्गत बोली जाती है, बौद्ध लोग क्या बोलते थे, पाली बोलते थे, और जो जैन हो जाते हैं, महावीर स्वामी जो हो जाते हैं, वो क्या बोलते थे, प्राकृतिक भाषाओं में इनके ग्रंथ देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अबहट, उसके बाद कौन सी आती है, हिंदी आती है। तो ये भी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, अगर यहां पर लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं भी लिखेगा तब भी चलेगा, मगर आपको ये याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमने देख लिया भाषा का साहित्य, ठीक है, तुर्कों का जब अधिकार हो गया था, उसके बाद भाषा का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमने यहां पर देख लिया। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग नंबर हो जाती है अपनी 9, ये क्या कहती है, कला और वास्तुकला पर प्रभाव, किस पर, कला और वास्तुकला पर भी प्रभाव पड़ा था जब तुर्कों का साम्राज्य यहां पर स्थापित हो गया था। तो भारत में प्रचलित कला के स्थान पर अरबी और तुर्क कला का प्रभाव दिखाई देने लगा, क्योंकि पहले क्या था, भारतीय कला तथा वास्तुकलाएं चलती थी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब यहां पर तुर्क लोग आ गए तो अरबी तथा तुर्क कला का प्रभाव देखने को मिलने लगा, ठीक है, दिखाई देने लगा। वास्तुकला में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और भवन निर्माण में क्या हुआ, गुंबद देखने को मिली, क्योंकि हिंदू लोग जो होते थे, राजपूत जो लोग होते थे, वो गुंबदों का निर्माण नहीं करते थे, मगर जब तुर्क लोग आए तो यहां पर गुंबद एवं मेहराव जो होते हैं, मेहराव, ठीक है, मेहराव और ज्यामिति आधार दिखाई देने लगे, क्योंकि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है ना, और बहुत सारे मकबरों का निर्माण हुआ, और वहां पर आप जानते हो जब मस्जिद बनाते हैं तो क्या करते हैं, गुंबद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो 10वीं हेडिंग हमारी हो जाती है, तुर्क यहां पर आ चुके थे तो कौन सा हो जाता है हेडिंग, ये होती है अन्य प्रभाव। बहुत सारे और प्रभाव यहां पर देखने को मिले जो हो जाते हैं इस प्रकार से। तुर्कों की विजय का भारत पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ा। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिससे परिवर्तन नहीं हुआ। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें कि परिवर्तन ना हुए हो। तुर्कों के छोटे छोटे निर्णय भी परंपराओं और रीति रिवाजों में बदल गए, मतलब उसके रूप लेने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी 10 हेडिंग हो जाती हैं। अगर आप यहां से 6 से 7 भी हेडिंग लिख सकते हो तो बिल्कुल आराम से आप यहां पर माइंड चलाकर भी आप बहुत सारी हेडिंग यहां पर बना सकते हो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी प्रकार से देख लोगे, 2 अच्छी प्रकार से देख लोगे, और ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से देख लोगे, तो मेरा मानना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाता है तो बिल्कुल ऐसी हेडिंग आप लिखोगे और अच्छी प्रकार से लिखकर आओगे, ठीक है, मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अपने एग्जाम में। अगर हेडिंग आप मजबूत लिखकर आओगे तो नंबर भी कैसे मिलेंगे, मजबूत ही मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करना है, दबाकर ठोकना है सभी के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, आगे हो जाता है निष्कर्ष। अब ये सारे के सारे प्रभाव पड़े तो निष्कर्ष क्या निकला, है ना, जब तुर्क भारत में आ गए तो निष्कर्ष क्या निकला, इसको देखते हैं। तो बात करते हैं, भारत में तुर्क के विजय और राजपूतों की पराजय कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि यह विदेशी शासकों के साथ साथ विदेशी संस्कृति भी सफलता थी, है ना, विदेशी संस्कृति की भी क्या थी, सफलता थी। यह सिर्फ तुर्कों की सफलता नहीं थी, यह विदेशी संस्कृति की भी क्या थी, सफलता थी, जिसने भारत में मिश्रित संस्कृति का बीजारोपण किया, जो बाद में समस्त विश्व में भारत की सांस्कृतिक पहचान बन गई। क्योंकि पहले सिर्फ क्या थी, संस्कृत वगैरह यहां पर बोली जाती थी, पाली प्राकृतिक वगैरह बोली जाती थी, मगर जैसे ही तुर्कों ने यहां पर क्या किया,
अपने पैर पसारे। उसके बाद आपको यहां पर साथ साथ विदेशी संस्कृति वगैरह देखने को मिली, है ना, उसमें सफलता देखने को मिली तथा भारत में मिश्रित जो संस्कृति थी उसका बीजारोपण हो गया और समस्त विश्व में भारत की जो संस्कृति थी वो क्या हुई, पहचान बन गई। ठीक है, जब तुर्क यहां पर आ गए तो क्या हो गई, फिर मिक्सिंग हो गई यहां की संस्कृति। आगे बढ़ते हैं, फिर याद रखा है तुर्कों ने अनेक भवन बनवाए, नगर बसाए और बाग लगवाए जो भारत की समृद्धि का सूचक बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाता है, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने इसे एक्सप्लेन किया और आपको मेरा मानना है कि पूरा 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 की पूरा क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो भारत में तुर्कों की विजय के महत्व कौन कौन से थे, तो यहां पर हमने देख लिए। विजय के बाद यहां पर हमारे भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए उसको भी इस हेडिंग के अनुसार समझाया गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना। तब तक के लिए, मतलब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।